दोस्तों, 1 या 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि महिंद्रा सेंजरो बाइक में अगर आपकी चाबी खो जाती तो कैसे उसको स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, क्या उसका प्रोसेस है, सब कुछ मैंने बताया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको सही कर लिया उसको वीडियो को देख करके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते और मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके पूछते हैं कि सर समझ में नहीं आया आपने जो बताया है, क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा उसमें कि कौन सा तार कहाँ पे जोड़ा है। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें एकदम क्लियर से बताया हुआ है कि कौन सा तार कहाँ पे जुड़ेगा और कैसे आपको जोड़ना है, कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर है, तो इसको देखिएगा और देख करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और जो भी आपके डाउट हैं समझ में नहीं आता वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देख करके। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये महिंद्रा सेंचुरो बाइक है और इसकी चाबी खो गई है जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताऊँगा इसमें कि बाइक को अगर चाबी खो जाए तो कैसे स्टार्ट करेंगे महिंद्रा सेंचुरो को। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कनेक्शन कैसे इसके होने हैं, कौन कौन से तार इसमें कनेक्ट करते हैं CDI में, और ये स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर की CDI है जो कि स्विस कंपनी की है, 0673B पार्ट नंबर है इसका। सबसे पहले कनेक्शन देख लीजिए, सबसे ऊपर वाला वायर है राइट साइड का, वो है रेड ब्लैक जो कि ST कोयल की तार है ये वाली। तो ये ST कोयल की तार जुड़ जाएगी रेड ब्लैक में। सबसे ऊपर वाली वायर है लेफ्ट राइट साइड की, और उसी के नीचे वाली जो ठीक नीचे वाली वायर है राइट साइड की CDI से आ रही है, वो है रेड वाइट कलर की तार है जो वायरिंग साइड से आ रही है। तो ये रेड वाइट तार में जुड़ेगी जो कि बैटरी की वायर है, डायरेक्ट इग्निशन स्विच से आई हुई है, और इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है जब आप चाबी ऑन करते हो, तो 12 वोल्ट का करंट इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये दो तारें हो गई। अब तीसरी तार की बात करते हैं, तो तीसरी तार लेफ़्ट साइड की सबसे ऊपर वाली जो है CDI में, वो कनेक्ट होगी वाइट कलर के तार में जो वायरिंग साइड से आ रही है महिंद्रा सेंचुरो में। ये पिकअप कॉइल की तार है तो इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो ये पिकअप कॉइल का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसी के जस्ट नीचे वाली जो वायर है ये CDI से जो आई है, ये कनेक्ट होगी ब्लैक वाले वायर में। ब्लैक वायर महिंद्रा सेंचुरो में अर्थ का होता है, तो ये उसमें कनेक्ट हो जाएगी अर्थ के लिए। तो ये कम्प्लीट हो गया। अब ये एक चीज़ और समझ लीजिए, जो ये वाइट कलर का सॉकेट है, तो ये जो रेड ब्लैक वायर है ये वाला, ये मैंने इस सॉकेट से काटा है वाइट वाले में, इसमें होता है। बहुत सारे लोग जब पहली बार करते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो बड़े सॉकेट में ढूंढने लगते हैं ये वायर, वहाँ नहीं मिलता, तो ये कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, और अब इसको अच्छे से टेपिंग कर दिए। टेपिंग करने के बाद फिर बाइक में जो दूसरा स्टेप है वो मैं बताऊंगा क्या क्या स्टेप है वो। और इसकी जो पुरानी CDI है ये बड़ी वाली, इसको चाहें तो आप निकाल दें और ना चाहें तो इसको लगे रहने दें, कोई इससे दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसका आप कोई यूज नहीं है, ना इससे कोई नुकसान है, ना इससे कोई फ़ायदा है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इससे पहले एक और मैकेनिक थे, उनके पास ये बाइक लेकर के गए थे जो बाइक के ऑनर हैं, तो उन्होंने ये किया, तो तार वगैरह जो कट किए हैं उन्होंने ही कट किए हैं, और तार वगैरह उन्होंने सही जोड़े थे लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई, और CDI भी उन्होंने स्विस कंपनी की लगाई थी लेकिन नहीं स्टार्ट हुई। तो वो फिर YouTube वगैरह से नंबर लेकर के मुझे कॉल किया उन्होंने, और उसके बाद फिर मेरी बात करवाई, लेकिन वो समझ नहीं पाए मैकेनिक साहब, तो फिर वो मेरी शॉप पर बाइक ले आए, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये सारे तार उन्होंने ही लगाए थे, सही तार लगाए थे, इसमें कोई कमी नहीं है, उन्होंने सही लगाए थे। तो अब इसमें चेक करता हूँ कि कमी क्या थी, फिर क्यों नहीं स्टार्ट हुई जब सही तार उन्होंने लगाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वायरिंग ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था 1.5 साल पहले YouTube पर, लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे कॉल करते हैं समझ नहीं पाते हैं, तो मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। तो एक बार और तार समझ लीजिए, जो सबसे ऊपर वाली राइट साइड की तार है वो है रेड ब्लैक जो कि ST कोयल की तार है। उसी के ठीक नीचे वाली जो वायर है ये है रेड वाइट जो कि बैटरी की वायर है, डायरेक्ट इग्निशन स्विच से आई हुई है, ठीक है। तो ये इग्निशन स्विच की तार हो गई। अब जो तीसरी तार है वो है पिकअप कोयल की, जो लेफ्ट साइड की सबसे ऊपर वाली तार है वायरिंग CDI की, वो है पिकअप कोयल की रेड वाले में जुड़ेगी, और जो ये नीचे वाली उसी के ठीक नीचे वाली ये है अर्थ की ब्लैक वायर में जुड़ेगी, ठीक है। चार तार कनेक्शन हो गए, आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, अगर कोई कन्फ्यूजन रही तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैग्नेट में है, और मैग्नेट खोल करके देखता हूँ कि इसमें क्या कमी थी, क्यों बाइक नहीं स्टार्ट हो रही है, अगर उन्होंने तार कट करके पलटे होंगे
तो चेक करता हूँ कि स्टार्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि कुछ तो कमी रही होगी। अगर कोई कमी नहीं थी तो स्टार्ट होना चाहिए था। तो इसको मैं खोल करके भी चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कमी रह गई थी, किस वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और काफ़ी सारे लोग हिचकिचाते, पहली बार जब लगाते हैं तो थोड़ा हिचकिचाहट महसूस होती है, थोड़ा डरते हैं कहीं सीटीआई वगैरह स्टार्ट ना हो जाए, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम और ना खड़ी हो जाए तो डरते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत लगती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और बेझिझक होकर के काम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें जो कमी मुझे समझ में आ गई है, कमी ये है कि ये पिकअप कॉइल जो लगा हुआ है इसमें दिक्कत है। अभी बताता हूँ क्या दिक्कत है। तो देखिए, जो ये पिकअप कॉइल आप देख रहे हो, ये पिकअप कॉइल उल्टा लगा दिया इन्होंने, जबकि ये पिकअप कॉइल नीचे की ओर रहता है। कभी आप देखे होंगे पैशन प्रो या स्प्लेंडर प्रो खोले होंगे बाइक, तो उसमें देखे होंगे कि नीचे होता है ये पिकअप कॉइल, लेकिन इसमें ऊपर लगा दिया, और महिंद्रा सेंचुरो में भी नीचे ही होता है, इसमें इन्होंने पलट करके लगा दिया। तो ये जब मैग्नेट से टच ही नहीं करेगा, टच नहीं होता मतलब थोड़ा दूर रहता, सेंस नहीं करेगा मैग्नेट से, तो बाइक स्टार्ट कहाँ से होगी, करंट ही नहीं बनेगा। ठीक है, सीडीआई को पता ही नहीं चलेगा कि कॉइल लगा हुआ है पिकअप कॉइल, तो इसलिए पिकअप कॉइल काम नहीं कर रहा, इसी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ अगर उन्होंने मल्टीमीटर से चेक की होती तो उनको पता चल जाता कि ये काम, ये पिकअप कॉइल अगर दिक्कत होती, दिक्कत है, अगर उन्होंने मल्टीमीटर से चेक किया होता तो उनको पता चल जाता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक मल्टीमीटर खरीद लो, और मल्टीमीटर ज़्यादा महंगा अगर आप नहीं खरीद सकते, नहीं खरीदना चाहते, तो आप सस्ता वाला ले लें, 100-200 रुपये का, 250 रुपये का मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप इसको मल्टीमीटर को ख़रीद करके उसके बाद मल्टीमीटर से काम करिए, उससे बाइक चेक करिए। अगर आप चला नहीं पाते तो आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख करके सीख सकते हो, और मेरा भी वीडियो एक पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, तो उसको भी आप देख करके समझ सकते हो कैसे मीटर चलाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। तो अब ये कॉइल प्लेट खोल लेता हूँ, खोल करके देख लेता हूँ कि तार नीचे से उन्होंने कट करके पलट दिए हैं कि नहीं पलटे हैं, वो भी चेक कर लेता हूँ। तो इन्होंने तार तो कट करके लगा दिए हैं, सही से लगा दिए हैं, वाइट वाला ब्लैक में, ब्लैक वाला वाइट में इन्होंने लगा दिया है, लेकिन इसको सोल्ड नहीं किया है। लेकिन अब मैं खोल लिया हूँ, तो इसको सोल्ड कर देता हूँ, सोल्ड करने के बाद फिर बांधता हूँ। और आपके पास अगर सोल्डिंग की सुविधा अवेलेबल है तो सोल्डिंग ज़रूर करें, क्योंकि सोल्डिंग करने से तार लूज नहीं होते हैं, और अगर कहीं लंबी दूरी पर बाइक जा रही है तो तार लूज होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हो तो इसको ज़रूर सोल्डिंग करें। और जो लोग सोल्डिंग नहीं करते, उनके पास सोल्डिंग का सिस्टम नहीं है ये, तो ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये सोल्डिंग का जो भी आइटम है ये बहुत महंगा नहीं मिलता, 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा, वहाँ से ख़रीद करके आप यूज कर सकते हो। और इसी में नहीं, आपको कई जगह पे काम आएगा, तो वहाँ से इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इसको ले लें, ज़्यादा महंगा नहीं है, आपके पास अगर आप काम करते हो तो होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इससे काम करिए सोल्डिंग। अगर इसको दोबारा कभी आप लोग खोल रहे हैं या कुछ भी खोलते हैं, अगर सोल्डिंग की ज़रूरत है तो वहाँ सोल्डिंग ज़रूर करें। तो ये सोल्ड हो गया है, अब मैं इसको स्लिप इस पे चढ़ा करके फिर इसको बांध दूंगा, बांधने के बाद फिर बाइक को स्टार्ट कर दूंगा। कभी आप महिंद्रा सेंचुरो बाइक खोलना तो उसमें देखना ये पिकअप कॉइल नीचे की ओर है, जैसे इसमें लगा था वैसा नहीं होगा। और वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें लोग ने फ़ोन किया, काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया और बोला कि सर आपकी वीडियो में समझ में नहीं आता, वीडियो क्लियर नहीं है, तो पता नहीं चल पाता कि कौन सा तार कहाँ जोड़े, जो एकदम नए हैं लोग नहीं समझ पाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उनके लिए, तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से जो समझ में नहीं आता है वो समझ में आ जाए।
ठीक है। और इसके और भी तरीके हैं इसको डायरेक्ट करने के। अगर ये CDI मैंने जो लगाई है स्विस कंपनी की, अगर आपको स्विस कंपनी की CDI नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी एक अलग जुगाड़ है, वो भी आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में एक अपलोड और करूंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे करोगे अगर आपको स्विस कंपनी की CDI नहीं मिलती है तो आपको बाइक को कैसे आप बाइक को स्टार्ट करोगे। तो इसमें टेप लगा दूंगा मैं, और ज़्यादा टेप आप ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा टेप लगा देंगे ये मोटा हो जाएगा, फिर पिकअप कॉइल लगेगा नहीं। तो अब ये कंप्लीट हो गया, अब मैग्नेट को बांध देते हैं, और मैग्नेट को टाइट करने के बाद फिर बाइक को स्टार्ट करेंगे। और अभी स्टार्ट करके आपको चेक करवाता हूँ कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ठीक है। अभी सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, बाइक को स्टार्ट करने के बाद अभी क्लियर हो जाएगा। और अब मैंने इसको सही कर दिया है, और यही फॉल्ट था जो उनके पास नहीं स्टार्ट हो पाई, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखना, मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये अब कनेक्ट कर लेता हूँ सॉकेट, मैग्नेट मैंने टाइट कर दिया, और इसमें मैग्नेट पैकिंग मैंने अभी नहीं लगाई है, इसलिए क्योंकि चेक करने के लिए है, उसके बाद अभी चेक कर लूँगा फिर लगा दूँगा। तो ये था स्विस कंपनी की CDI लगाने के बाद कैसे बाइक को स्टार्ट करेंगे, और इसको लगाने से स्टार्ट हो जाएगी, इससे जुड़ी सारी दिक्कतें जो भी हैं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कई सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर यहाँ पे स्विस कंपनी की CDI नहीं मिल रही है, स्विस कंपनी की CDI अवेलेबल नहीं है, और बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती उनको, तो वो लोग क्या करेंगे, बाइक को कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, वो अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो उसी के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग जिन तक ये वीडियो नहीं ऐसे पहुँच पा रहा, तो आपके शेयर करने के वजह से पहुंच सकता है, तो उनकी प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाएगी। महिंद्रा सेंचुरी से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों की मदद हो सके। किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।